नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मेदू बड़े बनाएंगे, तो आइए देखते हैं मेदू बड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उड़द की दाल है ये 150 ग्राम, 3/4 कप जो हमने 4 घंटे पहले भिगोई और हल्की दरदरी पीस ली है। 2 मिर्च छोटी छोटी काट लिए, बीज हटा दिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, वो कद्दूकस कर लिया है। 10-12 करी पत्ता जो काट लिए हैं। नमक स्वादानुसार या 1/4 चम्मच और तेल बड़ा तलने के लिए। तो बनाना शुरू करें। दाल को हम बड़े प्याले में डाल देंगे। और दाल को फेंटेंगे। मेदू बड़ा के लिए दाल को काफ़ी देर तक फेंटना पड़ता है। ये दाल मिक्सी में बहुत ही कम पानी डाल के पीसी जाती है। ज़रूरत पड़े तो पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं। अगर अभी हमें लगेगा कि पानी डालना है तो 1/2 चम्मच पानी डालेंगे। दाल को फेंटते हैं। ये सारे मसाले दाल में डाल करके मिला लेंगे। मिर्ची, अदरक, करी पत्ता और नमक, और दाल को फिर से फेंटेंगे। दाल को काफ़ी देर तक फेंटना है, बिल्कुल फ्लफी होने तक दाल को फेंटना है, क्योंकि अगर दाल को हम अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो बड़ा स्पंजी नहीं बनेंगे, टाइट हो जाएंगे। तो दाल को हमें करीब 6-7 मिनट तक इसी तरीके से फेंटना है। दाल हमने फेंट के तैयार कर ली है। दाल को फेंटने के बाद हम बड़ा बनाएंगे। तेल भी हमारा कढ़ाई में गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा पानी हाथ से लगाएंगे और इसमें से थोड़ी सी दाल निकालेंगे। करीब 1 अमरूद के बराबर निकाल लें और दाल को इस तरीके से गोल करके और अंगूठे से गड्ढा कर लेंगे और छोड़ देंगे। हाथ से पानी लगाएंगे, थोड़ी सी दाल निकालेंगे और दाल को गोल करके और गड्ढा करेंगे और डाल देंगे कढ़ाई में। गैस थोड़ी कम कर देते हैं। अब जो तल गए हैं उन्हें पलट देंगे, जो सिक गए हैं। अच्छे ब्राउन होने के बाद ये बड़े निकालेंगे हम, जब चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। और डाल देते हैं कढ़ाई में, जगह हमें अभी और दिख रही है। ये हमने चिकना किया हाथ में पानी लगा के, और इन्हें पलटते रहेंगे और अच्छे ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेंगे। जो ब्राउन हो गए हैं बड़े, हम वो निकाल लेंगे। अच्छा ब्राउन हो गया है।
मेदू बड़े तैयार हैं। आप इन्हें नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी या सांभर के साथ परोसिए। आप मेदू बड़े बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।